आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मटर पनीर की सब्जी, जो ढाबा रेस्टोरेंट में बनती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मटर पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक बर्तन लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर हमारा 200 ग्राम है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही एक लेयर आ जाएगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हमारा पनीर फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज। इसी के साथ हम यहाँ पर 10 से 12 कलियां लहसुन की ली हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। 1 हरी मिर्ची, इसको हमने 2 टुकड़ों में तोड़ रखी है। इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाता। हमारा प्याज फ्राई हो गया है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसको ठंडा होने देंगे। प्याज हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। इलायची को आगे से हमने थोड़ा खोल रखा है। 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। 3 लौंग डाल देंगे। 4 से 5 काली मिर्चें डाल देंगे। इसको थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मसालों को हम मिला लेंगे। 2 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इसको भी हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, जो हमने बारीक काट के रखे थे, इनको हम डाल देंगे। साथ ही हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पर हम 100 ग्राम मटर डाल देंगे, ताकि मटर और टमाटर साथ ही पक जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर लिए हैं, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ढककर रखकर 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं है। गैस की आंच मीडियम ही रखनी है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर बढ़िया से गल गए हैं, दानेदार हो गए हैं। ये देखिए, हमारे मटर भी अच्छे से पक गए हैं। ये हाथ से दबाने से अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, उसको इसमें डाल देंगे। बिना पानी डाले अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम भून लेंगे। इसी मसाले के साथ में पानी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करेंगे तो अच्छी तरीके से भून नहीं पाएगा। प्याज वाला मसाला भून ही नहीं पाएगा, खाली बॉईल हो जाएगा। आपको मसालों की अच्छे से भुनाई करनी होगी, तभी इसमें टेस्ट आएगा। ये देखिए, ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे 1 कप। इसमें गर्म पानी का ही यूज करेंगे, ठंडा पानी का यूज नहीं करेंगे। इससे कलर भी खराब हो जाएगा और टेस्ट भी खराब हो जाता है। अब हम इसमें 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उबाल आ गया है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसमें घर की मलाई डाल देंगे। इससे रिचनेस आ जाती है और कलर भी अच्छा आ जाता है। 2 काम एक साथ हो जाते हैं इससे। और अब देखिए, सब्जी कितनी बढ़िया लाजवाब दिख रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा गरम मसाला का टेस्ट अच्छा नहीं आता कभी भी। अब इसमें हम ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इसी तरीके से सब्जी बनाकर देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।